हेलो दोस्तों, मैं दिलीप शर्मा एक बार फिर आ गया हूँ एक नया वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम शिखर की गली की जो धार है उस पर ये फूल बनाए हैं, तो इस फूल को बनाने की पूरी प्रोसेस आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे बगैर स्किप किए। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वो जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब अभी से कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम ब्रश से इसके ऊपर घोला चढ़ाएंगे और ये घोला चढ़ाने के बाद हम इस पर मसाला लगाएंगे। तो दोस्तों, किसी वीडियो में हमने सूखी सीमेंट लगाई है मगर किसी में घोला चढ़ा रहे हैं, उसका रीज़न ये होता है दोस्तों कि जब दीवार के सूखने की संभावना हो तो घोला चढ़ा लो, और दीवार के गीले पड़ने की संभावना हो तो फिर आप सूखी सीमेंट मार लो। काम दोनों एक ही करेंगे, इससे मसाले की बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। और फिर हमने मसाला चढ़ाकर उसके ऊपर गुटकी से इस माल को पूरा व्यवस्थित कर लिया है, और ऊपर की धार हमने वाटर लेवल में करेंगे, ये देखिए, और इस रीत के बराबर ही ये पट्टा काटा जाएगा। दोस्तों, नीचे से इसकी कटिंग करके इस बराबर रीत के बराबर करेंगे। 2.5 इंच की हमारी रीत है, तो हमने ऊपर ये 2.5 इंच की पट्टी दर्शाई है। दोस्तों, अब 4 इंची हम ये फूल का जो सेंटर है 8 इंची चौड़ाई होने की वजह से एक 4 इंची पे लाइन खींच लेंगे, और उस लाइन पे फूल के दोनों पॉइंट मिलाकर हम इस फूल को काटेंगे। तो ये हमारा नाप लेने का तरीका रहेगा दोस्तों, हमेशा 4 इंच की लाइन खींच कर इसका सेंटर पॉइंट मिला लेंगे, क्योंकि शिखर में दोस्तों गोलाई होती है, और गोलाई को अगर अपन सीधा काटने की कोशिश करेंगे तो नहीं कटेगा। तो इसका आसान तरीका यही है कि एक 4 इंच पे एक पॉइंट बना लो जो भी फूल का सेंटर आता है, और उस लाइन से मिलाकर इसे काट लो, और बीच का सेक्टर हम कटोरी के बराबर अलग करेंगे, क्योंकि यही कटोरी हम एंड में डिजाइन के तौर पर इससे लगाएंगे। अब जो एक्स्ट्रा मसाला था वो पूरा हमने काट कर बाहर निकाल दिया है, और हमारा फूल का शेप इसमें सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, फिर इसको इस पंच से अच्छी तरह फिनिश कर लेंगे। तो फिनिश करने के बाद इसके ऊपर खड़ी 2-3 लाइनें बना देंगे ताकि ये और सुंदर दिखने लग जाए, और काफ़ी पतली महीन लाइनें बनाएंगे दोस्तों। और फिर इसको झाड़ू से भी फिनिश करेंगे, ये झाड़ू से रेत के सब दाने गिर जाएंगे। और यदि दोस्तों फिनिशिंग थोड़ी कमज़ोर आती है तो आप इसको बनाने के बाद इसके ऊपर वापस से गोले से पुताई कर सकते हैं। तो ये देखिए, वो हमने लाइनें बनाने के बाद में अब ये इसके ऊपर कटोरी लगाई है, और कटोरी लगाते ही दोस्तों काफी सुंदर दिखने लग गया है फूल। तो दोस्तों, जिस प्रकार ही हमने एक फूल बनाया था उसी प्रकार सारे फूल बना दिए हैं, और ऐसे ही करते करते कली जहाँ तक खत्म होती है नीचे तक सारे फूल बनाएंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो घंटी के निशान को दबाकर ऑल पे करें, ताकि इसी प्रकार से वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।